अस्सलाम वालेकुम। द नॉलेज स्कूल कायद कैंपस, क्लास 5, सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 2। द टॉपिक इज़ डाटा डिवाइसेस, लेक्चर नंबर 9। द टॉपिक इज़ डाटा डिवाइसेस। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। I repeated again the previous topic. As you know about the computer peripherals, the basic parts of computer, which include the input, output and storage that used for the different purposes, and all the combination, all these devices are together called computer peripheral. So basically, input devices are which devices that used for data instruction and feed into a computer are called input devices. For example, a keyboard, mouse, trackball, joystick, etc. Today we start the topic about memory. जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का काम क्या होता है। बेसिकली उसका काम ये होता है कि वो हमारी जितनी भी डेली लाइफ में जितनी भी हमारी रूटीन वर्क हैं या हमारी जो कुछ हमें याद होता है, कुछ पास्ट को लेके, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो कुछ हम सोचते हैं, हमारी जो सोचने की पावर है, वो बेसिकली जो है हमारा जितना भी डाटा होता है वो कौन स्टोर करता है, हमारे ब्रेन में स्टोर होता है। तो इसी तरह ही हमारे कंप्यूटर में मेमोरीज होती हैं। इसका बेसिक काम क्या है कि हमारा जितना भी वर्क है वो सारा इसमें स्टोर होता है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इट्स मेमोरी, क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन वर्क है। चाहे आप इस पर डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन वर्क कर रहे हैं, जितना भी फैक्ट्स, फिगर, वर्ड फॉर्म में है, पिक्चर फॉर्म में है, तो सारा डाटा जो है हमारा कंप्यूटर अपने मेमोरी में स्टोर करता है। ठीक उसी तरह है जैसे हमारा जो ब्रेन है वो हमारा जितना कुछ भी हमने सोचा होता है या जो भी हमारा रिएक्ट है, हमारा बिहेव है, ये सब कुछ हमारे ब्रेन में स्टोर होता है। उसी तरह ही हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में ये सारा डाटा स्टोर होता है। तो बेसिकली डाटा आर फैक्ट्स, फिगर, वर्ड्स एसेट्रा डैट वी वांट द कंप्यूटर टू वर्क ऑन, जिसके ऊपर हम, जिस बेस के ऊपर हम काम करते हैं, वो बेसिकली मेमोरीज होती हैं। इंस्ट्रक्शंस आर द कमांड्स दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क ऑन द गिवन डाटा। इन्फॉर्मेशन इज़ द रिजल्ट और द आउटपुट गिवन बाय द कंप्यूटर, और जब उसके रिटर्न में हमें जो रिजल्ट शो होता है वो हमें मॉनिटर स्क्रीन पे शो होता है। अब इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज के, अब मैं आपको यहाँ बताते चलूँ स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर बेसिकली हमारी ज़बान को नहीं समझता। ठीक उसी तरह ही हम भी कंप्यूटर की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, जिसको हम हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो जब बात होगी हाई लेवल लैंग्वेज की, तो बेसिकली वो लैंग्वेज होती है जो हम, जिनको हम, जिसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं या जो हम सीखते हैं, ठीक है। और फिर वो हाई लेवल लैंग्वेज को अपनी ज़बान में या अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लो लेवल लैंग्वेज करती है। तो बेसिकली जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, वो बेसिकली टू मेन डिजिट्स पे मुश्तमिल होती है, जिसमें दो न्यूमेरिक्स डिजिट्स हैं, जिसमें 0 और 1 है। तो आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का टोटल जो डाटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में या बाइनरी डिजिट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। उस पे सारा ही वो डाटा 0 1 की सीक्वेंस में होता है। बज़ाहिर हमें तो, लेट्स सपोज आपने एक लाइन लिखी है, ठीक है, कि माय नेम इज़ डैश, आई एम फ्रॉम, मतलब जो भी आप लिखना चाहें, माय सेल्फ लिखें या आप किसी भी टॉपिक के बारे में लिखें, तो आपको तो अपनी लैंग्वेज में नज़र आ रहा है कि आपने एक ऐसे लिखा है, ठीक है, इंग्लिश आपको पैटर्न शो हो रहा है या किसी भी आप लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी जो बैक, जो उसकी डाटा होगा वो बेसिकली किस फॉर्म में होगा, लो लेवल लैंग्वेज में होगा, बाइनरी फॉर्म में होगा। बाइनरी का मतलब ही, बाई का मतलब ही 2 है, और ये 2 वर्ड्स कौन से हैं, 0 एंड 1। तो बेसिकली कंप्यूटर में जितना भी हम काम करते हैं वो 2 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है, 0s एंड 1s, ठीक है। तो बाइनरी डिजिट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। बाइनरी कंप्यूटर वर्क्स विद ओनली 2 डिजिट्स, 0 एंड 1। द डाटा इनपुट इनटू द कंप्यूटर इज द फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू 0s एंड 1। सबसे पहले तो उसका काम क्या होता है कि हमारे डाटा को 0s एंड 1 में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये सब कुछ वर्क जो है विद इन फ्यू मिली सेकेंड, समझ लें आप, ये नैनो सेकेंड्स के, कुछ सेकेंड्स की ये जो है इसकी स्पीड होती है,
और कुछ सेकंड में वो डाटा हमारा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड दैम दिस डिजिट्स आर कॉल्ड द बाइनरी डिजिट्स, या इसको बिट्स भी कहते हैं। अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट चंक ऑफ इंफॉर्मेशन आर कंप्यूटर कैन वर्क। बेसिकली अ बिट जो है एक सबसे छोटा एक इंफॉर्मेशन, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब बात करते हैं बिट्स की या बाइट की। तो बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरीज भी जो है मुख्तलिफ बाइट्स पे या बिट्स पे मुश्तमिल होती है। अब लेट्स सपोज वन बाइट की बात करें तो वन बाइट जो है 8 बिट से मिलके बना है। तो बेसिकली अ बाइट इज़ डोनेटेड बाय बी। अब बी जो है यहाँ पे क्या शो कर रहा है, बाइट शो कर रहा है। बाइट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग कंप्यूटर मेमोरी। ये कंप्यूटर की मेमोरी को शो कर रहा है कि आपका डाटा जो है वो बाइट्स फॉर्म में है, KB फॉर्म में है या MB फॉर्म में है। तो बेसिकली इसके हाई यूनिट्स जो हैं वो आपको इस टेबल से शो हो रहे हैं, टेबल 2.1 के सबसे जो है लोएस्ट। अगर आप किलोबाइट KB की बात करें, अक्सर आप मेमोरी कार्ड पे देखते हैं कि जब आप मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो आपके उस मेमोरी कार्ड के ऊपर वहाँ पे लिखा होता है कि ये इसके अंदर इतनी स्टोरेज कैपेसिटी है, कि ये इतने GB का कार्ड है, इतने MB का कार्ड है, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि हमारी जो है मेमोरी कार्ड में इतना डाटा स्टोर हो सकता है, ठीक है। जिस तरह किलोबाइट KB इसकी जो पावर है 2 की पावर 10 बाइट, और जब हम इसको 2 की पावर 10 लेंगे तो ये 1024 बाइट के इक्वल है बिट्स के। उसके बाद 1 मेगाबाइट यानी KB से फिर थोड़ा लार्जेस्ट यूनिट जो है मेरी MB है। फिर MB के बाद देखें तो GB यानी गीगाबाइट, फिर इसके बाद TB टेराबाइट, और फिर लास्ट में आ जाएगा PB पीटाबाइट, ठीक है। तो बेसिकली ये टेराबाइट और पीटाबाइट जो है ये बल्क फॉर्म में जब डाटा, जैसे कोई बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है या बिज़नेस पर्पस के लिए जब उनके पास बहुत बल्क फॉर्म में डाटा होता है तो वो अपना डाटा जो है किस में कन्वर्ट करते हैं, मेमोरी उनका जो है टेराबाइट और गीगाबाइट में स्टोर होता है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में हम MB या GB पे डाटा ही अपना यूज़ करते हैं या डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की। बेसिकली 2 टाइप्स की मेमोरी होती है। सबसे पहला जब हमारा डाटा जो है प्राइमरी मेमोरी में या रैम में रनिंग फॉर्म में आता है, उसके बाद वो जाता है रोम में और फिर सेकेंडरी मेमोरी। अब इसकी डिवीजन करें तो आपको इस चार्ट से, फ्लो चार्ट से शो हो रहा है, जिसको समझने में आपको आसानी होगी। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो वो सबसे पहली आती है इंटरनल मेमोरी। अब इंटरनल मेमोरी जो है उसको हम क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। रैम की एब्रिविएशन क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद बात करें रोम की, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो उसमें हमारी एक्सटर्नल मेमोरीज आ जाती हैं, जिसमें फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क है, जिसमें डाटा हमारा सेव होता है या हमारा डाटा उसमें डिवाइड हो जाता है। CD, DVD, ब्लूरे और फ्लैश ड्राइव, जिसमें USB मेन यूनिवर्सल सीरियल बस। ये कंप्यूटर मेमोरी का फ्लो चार्ट है, इसे भी आपको समझने में आसानी है। अब हम बात करते हैं 1 by 1 प्राइमरी मेमोरी रैम की। तो बेसिकली प्राइमरी मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। ये आपको एक पिक्चर भी शो हो रही है रैम की, इसका स्ट्रक्चर इसी तरह ही है। इसके अंदर बारीक बारीक सी जो है चिप सी लगी हुई हैं, जिसका काम क्या होता है कि वो सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है अपनी लैंग्वेज में। तो बेसिकली द प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी एंड इट इज़ द मेन एरिया ऑफ कंप्यूटर वेयर डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन आर स्टोर, जिसमें डाटा हमारा सारा क्या होता है, स्टोर होता है। दिस मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU। द CPU एक्सेस द मेमोरी इन अ रैंडम मैनर, हैंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रैंडम एक्सेस मेमोरी। द CPU कैन एक्सेस द डाटा फ्रॉम रैम ओनली इंटिल द टाइम द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। लेट्स सपोज आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, ठीक है, या कोई वीडियो देख रहे हैं और आपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया है। जब आप उसको दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे तो आपका जो है कंप्यूटर उस म्यूज़िक को या उस वीडियो को प्ले नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा डाटा किस में रन कर रहा है, रैम में कर रहा है, ठीक है। एज सून एज द पावर टू द कंप्यूटर स्विच ऑफ, द स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन डिसअपेयर फ्रॉम द रैम। दिस काइंड ऑफ मेमोरी द लॉसेज कंटेन्स व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, इट्स ऑल नोन एज वोलेटाइल मेमोरी। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी, जिसका काम क्या होता है रैम का, बेसिकली डाटा को रीड और राइट करना होता है। ये देखें आपको पिक्चर से भी शो हो रहा है। अब बात करते हैं रोम की, रीड ओनली मेमोरी। रोम इज़ अ मेमोरी फ्रॉम विच यूजुअली द इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड, जिसका काम क्या होता है, ये सिर्फ डाटा को रीड करता है और हमारे डाटा को परमानेंटली स्टोर रखता है।
This memory can also be directly accessed by the CPU, but the data instructions stored in the ROM are retained even when the computer is switched off. तब भी हमारा डाटा जो है इसके अंदर सेव रहता है अगर कंप्यूटर आपका स्विच्ड ऑफ भी हो जाए. This kind of memory that retains its contents even when the power is turned off is known as non-volatile memory. आप इसको non-volatile भी memory कह सकते हैं या ROM भी कह सकते हैं. Nowadays, a special writable, programmable and erasable ROMs are also available. कि अब इतनी मज़ीद तरक्की होती गई है, establishment होती गई है कि आप अपना जो है special writable, programmable and erasable ROMs are also available. कि आप अपना जो है permanent data जो store है उसको भी आप दोबारा से जो है erasable करके नए आप उसको store कर सकते हैं. अब ये information है, इस information को समझें कि some computer scientists consider ROM as the type or primary memory instead of the classifying and it is third type of memory in between RAM and secondary memory. Basically कहा यह जाता है कि ROM जो है RAM और secondary memory में third option पर आता है. ठीक है, ये देखें आपको नीचे ROM की picture show हो रही है कि ROM का जो है ये part इसी तरह ही इसको बनाया जाता है. अब ROM basically पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. अब आगे रोम की टाइप्स की बात करें तो इसकी बेसिकली थ्री टाइप्स होती हैं जिसको पी रोम, एप रोम और इप रोम कहा जाता है. अब पी रोम का फंक्शन क्या है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ रोम डैट कैन बी प्रोग्राम टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन. वंस द इन्फॉर्मेशन हैज़ बी रिकॉर्डेड इट कैन नॉट बी चेंज. यानी एक दफ़ा आपने इन्फॉर्मेशन अपनी रिकॉर्ड कर ली तो आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं और वो हमारा डाटा किस में जाएगा, पी रोम में जाएगा. अब इप रोम की बात करें, ई फॉर इरेजेबल. It is a type of ROM in which data can be erased using the ultraviolet light. क्या आप इस डाटा को रिमूव कर सकते हैं. अब बात करें EEPROM की, electrically erasable, programmable, read-only memory. It is a type of ROM which data can be erased using electrical signals. I hope आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट. सो इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमरी. आपने कंप्यूटर की मेमोरी के टॉपिक को अच्छे से समझना है और आपने पेज नंबर 16-18 रीडिंग करनी है और आपने इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ के ये फ्लो चार्ट आपने ख़ुद से ड्रॉ करना है. थैंक यू.